नमस्कार दोस्तों, गुरु नानक केयर्स में सबका बहुत स्वागत है। दोस्तों रिसेंटली हमारे बहुत चहेते कलाकार बॉलीवुड के एक स्टार मिस्टर ऋषि कपूर ही लेफ्ट फॉर हिज फैमिली अबोर्ड, हमें छोड़ के सदा के लिए अलविदा कर गए, चले गए हम सबको छोड़ के। और जो कारण था उनके जाने का, जो डिजीज था, उसकी आज बेसिक जानकारी लेंगे, थोड़ी डिस्कशन करेंगे। क्या कारण था ऋषि कपूर साहब का जाने का, क्यों चले गए वो, द एज वॉज नॉट मच, और लास्ट टू ईयर से ही वो फाइट कर रहे थे इस डिजीज के साथ। और आज बात करेंगे दोस्तों जिस कारण से वो गए, उस डिजीज का नाम है ल्यूकीमिया। जी हाँ दोस्तों, जिसे हम सिंपल सरल भाषा में ब्लड कैंसर भी कहते हैं। क्या होता है ब्लड कैंसर, क्यों होता है, क्या उसके साइन एंड सिम्टम्स रहते हैं, डूज एंड डोंट्स देखेंगे दोस्तों, कैसे हम उसको डायग्नोज करें ल्यूकीमिया को, डायग्नोस्टिंग टेक्निक्स क्या रहती हैं, और क्या होम्योपैथी में कुछ आस भरोसा है, कोई है ऐसी मेडिसिन जो हमें मदद करें इस डेडली डिजीज में कुछ राहत पहुंचाने के लिए, कुछ है हमारे पास। दोस्तों बने रहिए वीडियो के एंड तक मेरे साथ, बहुत सिंपल सरल भाषा में जानकारी, विल डिस्कस अबाउट ल्यूकीमिया एंड ऑल दीज एस्पेक्ट्स, एंड में विल टॉक अबाउट द टॉप 3 होम्योपैथिक मेडिसिन जो हमारी मदद कर सकती हैं इस भयानक डिजीज से हमारे बचाव के लिए, टू मैनेज ल्यूकीमिया। आइए दोस्तों सबसे पहले देखते हैं क्या होता है ल्यूकीमिया, किसे कहते हैं ब्लड कैंसर। दोस्तों इन सिंपल वर्ड्स इफ वी ट्राई टू अंडरस्टैंड, ल्यूकीमिया इज अ डिजीज विच इज कॉज्ड ड्यू टू अ राइज इन द WBCs, व्हाइट ब्लड सेल्स हमारी बॉडी में रहते हैं, उनकी मात्रा बहुत ज्यादा अचानक से बढ़ जाती है ब्लड में, खून में उनकी मात्रा बढ़ जाती है, जिसे हम एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ WBCs बोलते हैं, और इनको ल्यूकीमिया सेल्स बोलते हैं, जो कि बॉडी को रिक्वायरमेंट नहीं रहती, लेकिन ये क्या करते हैं, ये बाकी ऑर्गन्स के फंक्शंस को हैम्पर करते हैं, वहां नुकसान पहुंचाते हैं, ये जो एक्स्ट्रा WBCs बन गए। दोस्तों अगर देखें ब्लड में मेन तीन तरह के इंपॉर्टेंट सेल्स रहते हैं, द रेड ब्लड सेल्स RBCs, द प्लेटलेट्स एंड द WBCs। सिंपल बेसिक जानकारी देखें तो रेड ब्लड सेल्स RBCs बेसिकली वो ऑक्सीजन को कैरी करते हैं, प्लेटलेट्स आर रिक्वायर्ड फॉर ब्लड क्लॉटिंग, और WBCs हमें चाहिए होती हैं टू फाइट इन्फेक्शन। लेकिन यहाँ जो ल्यूकीमिया सेल्स, जो एक्स्ट्रा WBCs आ गई हैं, वो नॉर्मल सेल्स को फंक्शन करने नहीं देती और ऑर्गन्स के फंक्शंस को भी हैम्पर करती हैं, उन्हें नुकसान पहुंचाती हैं, नॉर्मल फंक्शनिंग से रोकती हैं। ये होता है दोस्तों ल्यूकीमिया में। दोस्तों हर रोज एवरी डे बोन मैरो में, हमारी बोन के अंदर एक स्ट्रक्चर रहता है बोन मैरो, उसमें बिलियंस ऑफ सेल्स हर रोज नए बनते हैं और मोस्टली रेड सेल्स रहते हैं उसमें। अब ऋषि कपूर साहब वॉज फाइटिंग फॉर अगेंस्ट दिस डिजीज फॉर द लास्ट टू ईयर्स, लास्ट दो साल से वो जूझ रहे थे ल्यूकीमिया के साथ, और विद इन दिस शॉर्ट स्पैन ऑफ टू ईयर्स ओनली ही लेफ्ट अस। दोस्तों इसका कारण रहा होगा एक्यूट ल्यूकीमिया, जो कि शॉर्ट ड्यूरेशन में डायग्नोज हुआ और फेटल रहा। एक्यूट ल्यूकीमिया में क्या रहते हैं दोस्तों, जो WBCs एक्स्ट्रा बन गए हैं, ये मोस्टली इमेच्योर सेल्स रहते हैं, बहुत ज्यादा ये इमेच्योर सेल्स रहते हैं जो कि नॉर्मल फंक्शनिंग करने नहीं देते, इसलिए ये जो एक्यूट केस रहता है ये बहुत जल्दी बढ़ता है, इसकी प्रोग्रेस बहुत फास्ट रहती है, इट गेट्स फ्रॉम बैड टू वर्स वेरी फास्ट, और ये फेटल बहुत जल्दी जो इस केस में हुआ। दूसरा रहता है क्रॉनिक ल्यूकीमिया रहता है, उसमें इमेच्योर सेल्स रहते हैं लेकिन मोस्टली अपने फंक्शन नॉर्मल करते रहते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, धीरे धीरे वो ग्रेजुअली बिगड़ता जाता है, और इट टेक्स सम टाइम जब वो अंडा अपना दिखाता है, फेटल होता है। ऋषि कपूर साहब गए बिकॉज ऑफ एक्यूट ल्यूकीमिया केस। दोस्तों आइए देखते हैं कैसे हम इसकी पहचान करें, साइन एंड सिम्टम्स क्या रहते हैं ब्लड कैंसर के या ल्यूकीमिया के। दोस्तों सबसे पहले तो वीकनेस रहती है, थकावट रहती है बॉडी में, फटीग जिसे हम बोलते हैं, एग्जैक्टली बोले तो फटीग अपीयर्स इन द बॉडी। सेकेंडली दोस्तों जो कहीं कुछ भी कट लगे, ब्रूज हो, तो बहुत जल्दी ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। थर्डली दोस्तों जो सिवियर इन्फेक्शन रहती हैं वो बार बार आती रहती हैं, दे रिपीटली कम अगेन एंड रिकरिंग, जैसे बोलते हैं इन्फेक्शन बार बार आते हैं, ऑल ये तीनों रिलेटेड टू वीक इम्यूनिटी, अगर माने तो हमारा इम्यून सिस्टम बहुत वीक हो जाता है जिस वजह से ये बार बार इन्फेक्शन आती रहती हैं। देन दोस्तों बोन एंड ज्वाइंट्स में पेन रहती है, मसल पेन रहती है,
उसके अलावा हेडेक्स रहते हैं, वॉमिटिंग्स भी रहती हैं, सिवियर केसेस में दोस्तों सीजर्स, कन्वल्शंस, दौरे भी पड़ते हैं कई केसेस में, एंड देन देयर इज सडन वेट लॉस, वेट गिरना शुरू हो जाता है पेशेंट का, और नाइट स्वेट्स रहते हैं और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ रहती है। दोस्तों हमारे बॉडी में ऑल ओवर देयर आर न्यूमरस लिम्फ नोड्स, लिम्फ ग्लैंड्स, आपको याद होगा वीडियो का लिंक मैं डाल देता हूँ, वी हैव डन अ कंप्लीट डिस्कशन ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक लिम्फ नोड्स, वो जरूर देख लीजिएगा वीडियो, जानकारी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों इन लिम्फ नोड्स में स्वेलिंग हो जाती है, सूजन हो जाती है, और जो लिम्फ जो मेन हमारा ऑर्गन्स है लाइक स्प्लीन, स्प्लीन इज अ ब्यूटीफुल ऑर्गन, लेकिन उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है, सूजन हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है बिकॉज ऑफ ल्यूकेमिया। सो दीज वर द साइन एंड सिम्टम्स विच अपीयर, जो दर्शाते हैं, इंडिकेट करते हैं टुवर्ड्स ब्लड कैंसर। दोस्तों कॉज क्या रहता है, देयर आर नंबर ऑफ कॉजेस, सबसे पहले तो स्मोकिंग, स्मोकिंग तंबाकू का सेवन करना किसी शेप में, दैट इज हार्मफुल। सेकेंडली दोस्तों एक्सपोजर अगर कहीं रहे तो हार्मफुल रेडिएशंस एंड केमिकल्स, कई बार ऐसे जगह पे व्यक्ति काम करते हैं फैक्ट्रीज में केमिकल्स की या रेडिएशंस के, उनके ऊपर असर रहता है, उस वजह से ल्यूकीमिया, ब्लड कैंसर या एनी शेप ऑफ एनी टाइप ऑफ कैंसर कैन अपीयर। थर्डली दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है, वो है फैमिली हिस्ट्री, अगर परिवार में किसी को ऐसा चलता आ रहा है केस, तो आगे होने के चांसेस बहुत रहते हैं ब्लड कैंसर के। एंड ऑफ कोर्स जेनेटिक डिसऑर्डर रहते हैं, कई ऐसे जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं, फॉर एग्जांपल डाउन सिंड्रोम, और दे आर मोर प्रोन टू सच डेडली डिजीजेस लाइक ल्यूकेमिया। ये तो थे कारण दोस्तों। डायग्नोज कैसे करें हम, लेट अस सी द डायग्नोस्टिक टेक्निक्स। सबसे पहले सिंपल CBC, कंप्लीट ब्लड काउंट जो हम करवाते हैं, उसमें द नंबर एंड द मैच्योरिटी ऑफ सेल्स, उससे इंडिकेशन मिल जाता है कि समथिंग इज रॉन्ग। लेकिन देयर इज वन टेस्ट जिसे हम बोन मैरो बायोप्सी कहते हैं, दैट इज वन ऑफ द मेन टेस्ट जिससे ये अपीयर होता है कि पॉजिटिव है, ल्यूकीमिया के लक्षण पॉजिटिव निकलने शुरू हो जाते हैं, उस टेस्ट में आ जाता है दोस्तों। थर्डली दोस्तों स्पाइनल टैप रहता है, स्पाइनल कॉर्ड में कहीं से स्पाइनल फ्लूइड लेते हैं, एंड वी कम टू द प्रोग्रेस ऑफ द डिजीज की कितना बढ़ चुका है। और उसके अलावा स्कैन है, CT स्कैन, MRI स्कैन है, जस्ट टू आइडेंटिफाई द कि कितना प्रोग्रेस, कौन कौन से ऑर्गन्स डैमेज हो चुके हैं। सो दीज आर द डायग्नोस्टिक टेक्निक्स फॉर ल्यूकीमिया और ब्लड कैंसर। दोस्तों बात करते हैं ट्रीटमेंट की, वेरी इंपॉर्टेंट, ऑफकोर्स फर्स्ट चॉइस इज कीमोथेरेपी, देन उसके अलावा दोस्तों रेडिएशन थेरेपी रहती है, बायोलॉजिक थेरेपी रहती है, टारगेटेड थेरेपी रहती है, स्पेसिफिक टारगेट्स पे हिट करते हैं रेडिएशन के साथ। देन ऑफकोर्स स्टेम सेल ट्रांसप्लांट, वो आजकल बहुत प्रचलित है, दैट इज वेरी यूजफुल एज वेल। और फाइनल तो सर्जरी है ही है दोस्तों। लेकिन होम्योपैथी हमें कहाँ मदद करती है दोस्तों, वी कैन ऑलवेज को प्रिस्क्राइब सम ब्यूटिफुल होम्योपैथिक ड्रग्स मेडिसिन टू रिलीव द पेन, टू रिलीव अस ऑन द सिम्टम्स, एंड दे हेल्प अस इन द मैनेजमेंट ऑफ ल्यूकीमिया। ब्लड कैंसर के लिए दोस्तों टॉप की तीन बहुत ही कारगर, बहुत ही महत्वपूर्ण होम्योपैथिक दवाओं का जिक्र करेंगे, आइए देखते हैं। सबसे पहले, सबसे फॉरमोस्ट, वी आर ट्रूली ब्लेस्ड विद होम्योपैथी दोस्तों, कार्सिनोसिन। कार्सिनोसिन के ऊपर पूरा ड्रग पिक्चर वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन अ रिसेंट वीडियो, में लिंक डाल दूंगा, जरूर देख लीजिएगा। इन शॉर्ट बात करें, कार्सिनोसिन वहां हमारी बहुत मददगार होती है दोस्तों मेडिसिन, जहां कहीं फैमिली हिस्ट्री रहती है कैंसर की, अगर पेशेंट की फैमिली में किसी को ऐसा भयानक रोग पहले कभी हुआ है तो, और आगे पेशेंट में हो गया या लक्षण आ गए हैं, डायग्नोज हो गया, कार्सिनोसिन इज द ड्रग ऑफ चॉइस। इसकी डिटेल जिक्र हमने उस वीडियो में किया, जरूर देख लीजिएगा। कार्सिनोसिन बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करती है दोस्तों इन ऑल काइंड ऑफ कैंसर डिजीजेस। और याद रखिए, कैंसर की पेन बहुत खतरनाक, बहुत भयानक रहती है, वहां कार्सिनोसिन हमारी मदद करती है टू रिलीव द पेशेंट फ्रॉम द पेन ऑफ दिस कैंसर। सेकेंड बहुत महत्वपूर्ण दवा दोस्तों, दैट इज सियोनेथस। दोस्तों अब हम देखा लिम्फ नोड्स अफेक्ट रहते हैं, लिम्फ ऑर्गन मीन स्प्लीन जो रहता है बॉडी में, वो इन्फ्लेम्ड होता है, सूजन आ जाती है, स्वेलिंग हो जाती है, जहां स्प्लीन अफेक्टेड है बिकॉज ऑफ ब्लड कैंसर, वहां सियोनेथस बहुत अच्छा रोल अदा करती है। स्प्लीनाइटिस बोलते हैं जिसमें इन्फ्लेमेशन ऑफ द स्प्लीन, और एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट रहता है पेशेंट को। अपार्ट फ्रॉम दैट ल्यूकीमिया, ऑफ कोर्स सियोनेथस इज इंडिकेटेड पर्टिकुलरली फॉर ल्यूकीमिया, ब्लड कैंसर के लिए बहुत महत्वपूर्ण दवा है दोस्तों। देन जहां वायलेंट डिस्निया रहता है पेशेंट के लिए, सिम्टम्स जो मैच करते हैं सियोनेथस के साथ,
एंड द एनलार्जमेंट रहती है ऑफ द ग्लैंड्स, पेन रहता है, डिस्कम्फर्ट रहता है जैसे मैंने आपको बोला, एंड हाइपरट्रॉफी रहती है। दोस्तों ये सब जो इंडिकेशंस, जो सिम्टम्स रहते हैं विद ब्लड कैंसर एसोसिएटेड विद, तो वहाँ सियोनेथस इज अ ब्यूटिफुल मेडिसिन, बहुत हमारी मदद करती है। सियोनेथस डल्यूशन फॉर्म में हम दे सकते हैं। थर्ड एंड नॉट द लीस्ट ऑफ कोर्स आर्सेनिक एल्बम। दोस्तों देखिए आर्सेनिक एल्बम इट्स अ मैजिकल मेडिसिन, यहाँ भी इसका रोल है। पर्टिकुलरली आई वुड रिस्ट्रिक्ट टूवर्ड्स ब्लड कैंसर सिम्टम्स जहाँ आर्सेनिक एल्बम काम करती है। दोस्तों पहली बात एनीमिया में इट कैन बी गिवन, जहाँ सडन वेट लॉस हो जाता है ड्यू टू न्यूट्रिशनल इम्पेयरमेंट कह सकते हैं हम, वहाँ आर्सेनिक एल्बम बहुत अच्छा रोल अदा करती है। देन दोस्तों स्ट्रेस ऑफ मेलिग्नेंसी, दैट इज अ ब्यूटिफुल सिम्टम जहाँ आर्सेनिक एल्बम डिट्टो मैच करती है। बिकॉज ऑफ कैंसर जो स्ट्रेस रहता है, एक सहम रहता है, डर रहता है, पेशेंट में बहुत डर रहता है, आर्सेनिक एल्बम वहां काम करती है। ऑफ कोर्स फियर, फ्राइट, वरी, ये जो तीन मेन सिम्टम्स आर्सेनिक एल्बम के हैं वो यहाँ भी देखने में मिलते हैं, देखने को मिलते हैं। दोस्तों इन केस ऑफ ब्लड कैंसर ल्यूकीमिया आर्सेनिक एल्बम इज अनदर अ ब्यूटीफुल मेडिसिन। लो वाइटैलिटी रहती है, वीकनेस रहती है, फटीग रहता है बॉडी में, ताकत सी रहती है, अंदरूनी शक्ति खत्म होती जाती है, इम्यूनिटी वीक रहती है, आर्सेनिक एल्बम इज द ड्रग ऑफ चॉइस। तो ये तो थी दोस्तों तीन बहुत ही महत्वपूर्ण कारगर दवाएं। अगर हम इन्हें एग्जिस्टिंग प्रिस्क्रिप्शन के साथ प्रिस्क्राइब करें, लें इन मेडिसिन को, देर इज सर्टनली गोइंग टू बी मच मच इम्प्रूवमेंट इन द सिम्टम्स ऑफ द पेशेंट सफरिंग फ्रॉम ल्यूकीमिया। बहुत खतरनाक डिजीज है दोस्तों, अगर 1% भी अगर हमें हेल्प मिले कहीं से भी, तो आई पर्सनली फील वी शुड ऑलवेज गो फॉर दैट। और होम्योपैथी वी आर ट्रूली ब्लेस्ड, बहुत बेहतरीन दवाएं हैं दोस्तों, जरूर यूज कीजिए। डू पास दिस इन्फॉर्मेशन टू एवरीवन बिकॉज नॉलेज इज प्रिवेंशन। कहीं ना कहीं किसी ना किसी को अगर कुछ बेनिफिट 1% भी मिल जाए तो गुरु नानक केयर्स का ये एफर्ट सफल हुआ समझिए, मैं समझूंगा। वी आर ट्रूली ब्लेस्ड, डू टेक केयर दोस्तों, ख्याल रखिए अपना, परिवार वालों का। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ एंड गॉड ब्लेस।